लोग मेरा चैनल में स्वागत है। सो गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने पानी का बोतल मंगाया था, सो उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। हाउ सो इस बॉटल्स का कैपेसिटी 1000 ml का है। सो गाइस, आप देख सकते हो इसका पैकिंग कैसा है। पैकिंग मुझे खास नहीं लग रहा है, जैसे कि देख सकते हो आप, ऐसे ही बोतल डाल दिया गया है एक बैग में, बड़ा सा बैग में। गाइस, जिससे ये होता है कि बोतल में स्क्रैच लग सकता है। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये तीनों बोतल में काफ़ी स्क्रैच मुझे दिखे, जैसे घिसा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी जगह था। सो मैंने इसको रिटर्न कर दिया और फिर उसके बाद मैंने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया, तो उसमें भी वैसा ही निकला, बट वो पहले से काफ़ी बेटर लगा था मुझे। सो गाइज, क्वालिटी की बात किया जाए तो ये क्वालिटी में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बाकी और भी क्वालिटी के आते वो थोड़े हल्के होते हैं और वो बोतल को दबाने में भी वो थोड़ा पिचक सा जाता है, बट ये बोतल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये प्रेस करने पर ये पिचक नहीं रहा था, ये थोड़ा हार्ड कह सकते हो इस बोतल को। क्वालिटी वाइज भी सुंदर है और काफ़ी लुकिंग वाइज भी देखे तो सुंदर है। गाइज, प्राइस की बात किया जाए तो ये मुझे 49 rupees मुझे पे करना पड़ा, और जो मेरे बाकी का सुपर कॉइन था 380 सुपर कॉइन लग गया। ये रिप्लेसमेंट के बाद मुझे ये इस बार मुझे काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ मिला, अच्छी तरह से पैक किया गया था, और इस वाले रिप्लेसमेंट में ये बोतल में थोड़ा सा कम स्क्रैचेस, घिसा हुआ था। मन को कैरी करते वक्त, कहीं रखते वक्त वो घिस जाता है बोतल, माइनर सा ही स्क्रैच लगे थे, सो मैंने रख लिया इसको। सो गाइज, मुझे ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा है। गाइज, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स।